कानपुर में पुलिस की अवैध उगाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है, साथ ही वो इस रिश्वत में थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के शामिल होने की बात तक कह रहा है। इसके साथ ही वीडियो में दिख रहा है कि जो किसान पैसे देने से मना कर देते हैं, सिपाही उन पर कार्रवाई करने की किस तरह से धमकी देते हैं। बताया जा रहा है कि सिपाही ने किसानों की गन्ने से भरी 3 ट्रॉलियों को नगर के संजय चौक से कुछ ही दूर देवन रोड पर रुकवा दिया। किसानों से अवैध वसूली की मांग करने लगे। किसानों ने विरोध किया गया तो सिपाही ने धमकी दी और उसके बाद उन्होंने पैसे नहीं देने पर ट्रॉली को थाने में खड़ा करवा दिया। इस दौरान सिपाही किसानों से कहता रहा कि जब आप पैसे कमा रहे हो तो आपको 100-200 रुपए देने में हर्ज क्या है, लेकिन इस दौरान सिपाही का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। सिपाही का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सौ रुपए का देखा जाती है।